brought to you by Techno Camon 30 series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में. और T20 वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है सिद्धार्थ, लेकिन जितने भी हमारे फुटबॉल फैंस हैं वो आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यूरो 2024 की शुरुआत आज से होगी. जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच मैच होगा. और अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है इस दफा जो है होस्ट है, और 2006 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार जो है जर्मनी में मेजर टूर्नामेंट्स खेला जा रहा है. वही मतलब देखिए, जर्मनी में होस्ट होना और मतलब वहां इंग्लैंड और जर्मनी की अगर मैं बात करूंगा, बहुत पुराना एक रिश्ता है, 80 साल पुराना जो है. जब भी इंग्लैंड और जर्मनी खेलते हैं वहाँ के जो इंग्लैंड सपोर्टर्स बोलते हैं हियर कम द लैंकास्टर बॉम्बर्स, मतलब वो जो वर्ल्ड वॉर टू में जो हुआ था वो अभी भी वो उसका जिक्र करते हैं. लेकिन हाँ, जर्मनी में इस बार यूरो हो रहा है और 28 साल बाद क्या जर्मनी अपना जिंक्स, वो यूरो का जो जिंक्स है, क्योंकि देखिए यूरो जो है बहुत ही कंपिटिटिव टूर्नामेंट है. एक ट्रिविया क्वेश्चन वो बाद में बताएंगे, पहले हाँ राइनलैंड में एक बहुत ही मतलब वो जो है बढ़िया सा यूरो 2024 का मोंटा चल रहा है. राइटस्टैग के भी बगल में काफी ये है, सो एंटिसिपेशन बहुत है. जी हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा कि यूरो 2020 जो है 2021 में खेला गया था कोविड पैंडेमिक के कारण. yes. और उस बार जो है इंग्लैंड रनर्स अप था, जिसके बारे में अभी सिद्धार्थ आपको बता रहे थे इंग्लैंड टीम के बारे में. और इटली जो है ये कप जीता था और शूट आउट में जो है ये मैच गया था. yes. तो नजरें जो है इस बार बहुत सारी टीमों के ऊपर होंगी, 3-time चैंपियंस जर्मनी के ऊपर होगी और इंग्लैंड के ऊपर होगी, स्पेशली क्योंकि हैरी केन आप बायर्न म्यूनिख के साथ जो है खेलते नजर आते हैं. इसके अलावा जूड बेलिंगम जो है पहले भी जर्मन सॉइल पर खेल चुके हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जर्मन सॉइल पर इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे. फ्रांस अब किलियन एम्बाप्पे जो है लीडर के तौर पर है, हालांकि ट्रेनिंग सेशन में नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसके अलावा आप पोर्चुगल को देखेंगे, स्पेन को देखेंगे. हु आर यू पुटिंग योर मनी ऑन? मैंने तो देखिए, मैंने शुरुआत किया था कि शायद जर्मनी जीत जाए, क्योंकि 28 साल हुए हैं प्लस घर में खेल रहे हैं. 1996 में यूरो जीता था लास्ट उन्होंने, लेकिन मुश्किल है क्योंकि देखिए यूरो का विनर प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल है. किसने सोचा था कि 2021 में 53 साल बाद इटली जीत जाएंगे यूरो, और वो भी उस वक्त जब वो लोग मेन फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किए थे 2018 में. इस बार भी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने इटली ने, लेकिन अजूरी इस बार 2024 में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे. ट्रिविया क्वेश्चन है, कौन है जो एकमात्र देश जिन्होंने यूरो टाइटल डिफेंड किया है? स्पेन 2008 और 2012 कि कोई और देश यूरो के खिताब को डिफेंड नहीं कर पाए हैं. और दैट इज वाई मैं कह रहा हूं, अगर आप जिंक्स देखोगे वो बहुत ही रियल है. इटली शायद इस बार नहीं करेंगे, फॉर्म भी नहीं है बहुत से खिलाड़ियों का, लेकिन आप कह नहीं सकते वो इटली का कब वो कैसे, ये इटली जो है ना पाकिस्तान है ऑफ फुटबॉल, कब कौन सा रूप लेकर आएंगे हमें पता नहीं चले. लेकिन हाँ, जो आपने टीम्स बताए, इंग्लैंड है, क्रोएशिया है, मैं एक ऐड करूंगा उसमें, देन देयर इज जर्मनी, बट फ्रांस और स्पेन ये दोनों टीम्स जो है अपना ए गेम निकाल देते हैं, फ्रांस इन पर्टिकुलर. जी हाँ बिल्कुल. और आपको बता दें 14 जुलाई को जो है यूरो 2024 का फाइनल खेला जाएगा बर्लिन में. अब देखना होगा कौन सी दो टीमें जो है आपको बर्लिन में फाइनल खेलती नजर आएंगी. एक नजर डालते हैं ग्रुप्स पर और टीम्स पर, और उनका यूरो पे किस तरह से प्रदर्शन रहा है, यूरो 2020 में किस तरह से प्रदर्शन रहा है, फीफा रैंकिंग्स कैसी हैं, एक एक करके ग्रुप वाइज देखते हैं हर एक टीम के, ताकि आपको समझने में आसान हो. ग्रुप ए को अगर देखें तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ग्रुप ए में जर्मनी है, स्कॉटलैंड है, हंगरी है, स्विट्जरलैंड है सिद्धार्थ. और अगर जर्मनी की बात करें तो यूरो 2020 रिजल्ट्स में राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुकी थी, और बेस्ट रिजल्ट्स जो है 3-time चैंपियंस 1972, 1980, 1996, और फीफा रैंकिंग में फिलहाल अभी 16वें पोजीशन पे है. स्कॉटलैंड की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिछले यूरो में ग्रुप स्टेज तक पहुंची थी स्कॉटलैंड, और इसके बाद बेस्ट रिजल्ट्स भी ग्रुप स्टेज तक ही रहा है 1992, 1996, 2020, और फीफा रैंकिंग 39. तो आज जो है मुकाबला जर्मनी और स्कॉटलैंड का है, और उस मुकाबले में आप देखिए कि 7:30 बजे म्यूनिक में ये मुकाबला खेला जाएगा. तो कहीं ना कहीं
जर्मनी फेवरेट्स रहेगी, होम ग्राउंड है और उसके बारे में भी हेड टू हेड मैं बाद में बताऊंगी। हंगरी को देखिए आप, ग्रुप स्टेज तक यूरो का रिजल्ट रहा है, बेस्ट रिजल्ट जो है सेमीफाइनल में पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि 1964-1972 में सेमीफाइनलिस्ट थी हंगरी। अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो क्वार्टर फाइनल्स 2020 यूरो का हिस्सा थी स्विट्जरलैंड और 19th फीफा रैंकिंग है उनकी फिलहाल और बेस्ट रिजल्ट्स वही रहा है 2020 में जो क्वार्टर फाइनल गए थे। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, सिद्धार्थ आपको बताएंगे ग्रुप बी के बारे में। बाप रे, ग्रुप बी वाकई में यूरो 2024 में जो है ग्रुप ऑफ डेथ है। पिछली बार जो रहा है देखिए, स्पेन चैंपियंस है लेकिन कंसिस्टेंट रहे हैं, और अगर आप देखोगे क्रोएशिया हमेशा नॉकआउट स्टेजेस के लिए, दे ऑलवेज डू देयर बेस्ट। इटली करंट डिफेंडिंग चैंपियंस, अल्बेनिया सोच रहे होंगे कि यार इस ग्रुप में हमें क्यों डाला है, मतलब हमें क्यों फोड़ा इस वाले सिचुएशन। लेकिन पिछली बार जो था आप हंगरी और इसके बात कर रहे थे जर्मनी, पिछले यूरो में दैट वॉज द ग्रुप ऑफ डेथ। सो दैट इज वाई अगर आप देखते हो पिछले ग्रुप में इट वॉज फ्रांस पोर्चुगल जर्मनी और हंगरी, इस बार स्पेन इटली और क्रोएशिया। बाप रे बाप, अब उसमें से टॉप टू को डिसाइड करना बेस्ट ऑफ लक, बड़ा अपसेट हो सकता है इन ग्रुप बी। अब ग्रुप सी पर नजर डालते हैं दोस्तों। ग्रुप सी में कौन कौन से टीम है, स्लोवेनिया है, डेनमार्क है, सर्बिया है और आपकी फेवरेट सदा इंग्लैंड भी ग्रुप सी का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए डेनमार्क की बात करते हैं, फीफा रैंकिंग 21 है, सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी यूरो 2020 में और चैंपियंस रह चुकी है 1992 की। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए इंग्लैंड है, 2020 में रनर्सअप थी इटली का, वो शूट आउट मैच जो है आपको याद होगा जिसके बारे में आप बता रहे थे, और अभी फिलहाल फोर्थ फीफा रैंकिंग है। तो इंग्लैंड को हम कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर यूरो 2024, हालांकि इनको ज्यादा पसंद नहीं है, ये मुझे ऑफ कैमरा कह रहे थे कि आई एम जस्ट होपिंग कि इंग्लैंड आगे तक ना जाए, लेकिन वन ऑफ द फेवरेट्स ये रैंकिंग देखिए, दे आर इन गुड फॉर्म, लेकिन हमेशा होता है इंग्लैंड के साथ हाइप इतना बढ़ा देते हैं कि इन द एंड सिंपल फॉर्मूला है फॉर टीम्स, पेनल्टी शूटआउट्स में लेके जाओ बस, यू आर गारंटीड अ विक्ट्री, बिकॉज इंग्लैंड पेनल्टी शूटआउट्स में ये पूरे डेकेड में देखो है, कोलंबिया के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप में उसी टाइम वो सक्सेसफुल रहे, दैट टू बाय द बैरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। इंग्लैंड के आप देखेंगे वो पेनल्टी शूटआउट्स में तीनों ने मिस किया था, सैंचो ने मिस किया था, रैशवर्ड ने मिस किया था, साका ने मिस किया था इन यूरो 2021। सो पेनल्टी शूटआउट्स इंग्लैंड की बस की बात नहीं है। यस, डोंट गेट स्वेड बाय द रैंकिंग्स, जर्मनी 16th है, इंग्लैंड 4th है, बट नो, मेजर टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड का एक इतिहास है कि वो जीतते नहीं है, रीजन है फुटबॉल उन्होंने खुद इन्वेंट किया, लेकिन एक ही वर्ल्ड कप जीत पाए हैं 1966 में वो भी। चलिए तो इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर एक और जो है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट ग्रुप पर नजर डालते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में नीदरलैंड्स है सिद्धार्थ, फ्रांस है, पोलैंड है, पोलैंड का जो पहला मैच है शायद लेवनडॉस्की नहीं खेलेंगे, उनकी शायद इंजरी है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो इस मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे। ऑस्ट्रिया भी इस ग्रुप का हिस्सा है। तो नीदरलैंड्स जो है 1988 की चैंपियंस है, फीफा रैंकिंग में 7वें पोजीशन पे। फ्रांस वन ऑफ माय फेवरेट, और आपको याद होगा यूरो 2020 में राउंड ऑफ 16 तक गए थे, लेकिन चैंपियंस 1984 और 2000 की चैंपियन है फ्रांस, सेकंड फीफा रैंकिंग है, किलियन एम्बापे टीम का हिस्सा है। तो नजरें जो है फ्रांस की सब पर होंगी। पोलैंड क्वार्टर फाइनल्स बेस्ट रिजल्ट रहा है 2016 में, और फीफा रैंकिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, 28 पोजीशन पर है। ऑस्ट्रिया जो है 25 पोजीशन पे है। नेक्स्ट ग्रुप की अगर बात की जाए सिद्धार्थ, तो ग्रुप ई में कौन कौन है आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्रुप ई में कौन कौन जो है। देखिए उसमें है द टॉप टीम उस ग्रुप में है बेल्जियम, जो थे रनर्स अप 1980 में, लेकिन ये बेल्जियम टीम जो है गोल्डन जनरेशन के हिसाब से पिछले डेकेड से खेल रहे हैं, केविन डेब्रॉयना है, तो इसके वजह से मे बी दे माइट हैव अ चांस, लेकिन पिछले साल देखा था वो उनका सबसे बेस्ट मोमेंट था पिछले यूरो में, सो दैट्स व्हाई बेल्जियम आर देयर। लेकिन ये ग्रुप थोड़ा इजी है, स्लोवाकिया रोमेनिया ये शायद उतना ये नहीं कर पाएंगे, यूक्रेन अब देखिए वॉर तो चल रही है यूक्रेन में, क्या ये यूरो में उनको
कुछ मिलेगा हंसने के लिए, टू गिव सम स्माइल्स. तो यूक्रेन और मेरे हिसाब से बेल्जियम माइट बी द टीम्स टू मेक इट फ्रॉम दिस ग्रुप. अगर हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ अगर हम देखते हैं तो वो और भी इजियर है अगर आप देखते हैं तो, बिकॉज इट इज पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, जॉर्जिया और टर्की. अब पोर्चुगल 2016 के जो चैंपियंस है, रोनाल्डो भले ही ना खेल रहे हो यूरोप में, सऊदी अरेबिया में वो अपना ये कर रहे हैं, लेकिन यू कांट इग्नोर पोर्चुगल. बट पोर्चुगल जो है इज अ वन मैन आर्मी. आप बाकी के इसमें देखते हो पेपे हैं, देर आर ऑल दी अदर्स ऑल्सो हु कैन गिव रोनाल्डो सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट रोनाल्डो को नहीं मिला. सी आर सेवन का ये मोस्टली लास्ट यूरो है तो सारे निशान उसमें. सो मे बी टर्की और चेक रिपब्लिक के बीच ये हो सकता है फॉर सेकंड स्पॉट. चलिए इन्होंने तो इसके बारे में बता दिया. कौन से खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी जो है जिस पे सबकी नजरें होंगी? फिल फॉर्डन पे सबकी नजरें होंगी, लुका मॉड्रिच पे सबकी नजरें होंगी, और कौन कौन से खिलाड़ी जिनको आप बेसब्री से देखने के लिए इंतजार कर? देखिए आपने जो दो नाम लिए थे पहले स्टार्टिंग उस किलियन एम्बापे. ही इज दी गोट. अगर इस जमाने में देखते हैं मेसी और रोनाल्डो का जो, और सी आर सेवन भी है, मेसी और सी आर सेवन के आगे जो ग्रेटनेस का टॉर्च आगे बढ़ाएंगे वो किलियन एम्बापे है. फिल फोर्डन भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए इंग्लैंड के लिए जैक ग्रिलिश नहीं है. अब सारा जो है बेलिंगम और फोर्डन के ऊपर आता है. सो बेलिंगम, फोर्डन एंड ऊपर अगर आप देखते हो हैरी केन. लेकिन मेरे लिए जो है वो एक जर्मन खिलाड़ी है, वर्ट्स जो है, ही वाज देयर इन बायर लेवरक्यूजन. लेवरक्यूजन इस बार जो बुंडेसलीगा में कमाल दिखाया है फ्लोरेन वर्ट्स के वजह से, ही वॉज द की बिहाइंड बायर लेवरक्यूजन नॉट लूजिंग इन बुंडेसलीगा. तो इसके लिए वो बंदा मेरे लिए फ्लोरियन वर्ट्स, ही इज नंबर वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. तो आज का जो मुकाबला है दोस्तों वो है जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच में. रात के 12:30 बजे ये मुकाबला देखने मिलेगा आपको. तो अगर आप चाहते हैं कि ये मुकाबला मिस ना हो तो 12:30 बजे जो है अब तैयार रहिएगा. अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों टीमों ने 17 गेम्स खेले हैं. और सिद्धार्थ को मैंने जब ये फैक्ट बताया, ये फिगर्स बताया था, सिद्धार्थ वो सो सरप्राइज. तो जर्मनी जो है 8 दफा जीता है, 5 दफा ड्रॉ हुआ है और स्कॉटलैंड ने 4 दफा जीता है. तो आप स्कॉटलैंड को हल्के में नहीं, surprising. जी हाँ, स्कॉटलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं. तो आप देखना होगा कि होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने जर्मनी का किस तरह से प्रदर्शन रहता है yes. आज के मुकाबले में. और आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं. इन्होंने तो अपना बता ही दिया, मेरे लिए तो फ्रांस है, आपके लिए? आई वुड से जर्मनी, क्योंकि होम नेशन. अगर जर्मनी नहीं तो स्पेन, डेफिनेटली स्पेन. तो जर्मनी स्पेन को बैक कर रहे हैं सिद्धार्थ. मेरे लिए फ्रांस की टीम जो है मैं उनको बैक कर रही हूँ. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि फ्रांस जो है इस बार यूरो 2024 जो है जीतते नजर आए. आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि यूरो 2024 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं और कौन सी टीम को आप सपोर्ट करें. उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा और फेसबुक के पेज को जाकर भी लाइक कर दीजिए. धन्यवाद. धन्यवाद. बहुत लंबा हो गया इंतजार, क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ कहां? स्पोर्ट्स तक पर. स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज से.